नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका, आप सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली यानी कि मेरे अनिल शर्मा सोलिटिव में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपका मंथली फॉरकास्ट यानी कि जून का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और ख़ास तौर पे आज मैं बात करूँगा कैप्रिकॉर्न राशि के मेरे मित्रों के साथ। तो सबसे पहले हम जानें कि जो जून महीने की शुरुआत है अर्धरात्रि को यानी कि मिड नाइट के समय जब शुरू होंगे तो उस समय ग्रहों की पोजिशन क्या होगी, यानी कि आपकी राशि जिसके ऊपर है साढ़े साथी और चंद्र और शनि का एक योग बना रहेगा। चंद्र शनि आपकी राशि से होंगे ट्वेल्थ हाउस में, वहीं मंगल और केतु यानी कि उच्च के मंगल आपकी राशि से अपना गोचर कर रहे हैं, अपना ट्रांजिट कर रहे हैं, वहीं राहु बिल्कुल उनके सामने होंगे। ग्रहों की पोजीशन देखने से ऐसा लगता है कि चंद्र और शनि का योग कैसा रहेगा। आदमी सुनते ही परेशान हो जाता है, क्या सारथी इस बार हमें परेशान करेगी? तो नहीं जी, ये महीना आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक बेहतरीन महीना साबित होने जा रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी खबरें इस महीने के दौरान मिलेंगी और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक अपना घर नहीं ले पाए हैं, उन लोगों के लिए ये महीना खास तौर पर विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने में आपकी जो बहुत देर से आप जिसको चीज़ को लेके इच्छा कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं कामयाबी उस इच्छा को पूरा होते हुए मैं देख रहा हूँ। तो घर के मामले में यह महीना आप लोगों के लिए बेहतरीन मन साबित होने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका मसला है तो उसमें आपको लाभ होगा। वहीं बात आ जाती है सारथी यानी कि सेहत के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। लग्नेश या राशिपति का अपने घर से पीछे चला जाना और वहीं चंद्रमा जो बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाले प्लैनेट हैं उनको जब मैं देखता हूँ तो निश्चित तौर पर समय के दौरान केतु का मंगल के साथ आपकी राशि में होना ये दिखा रहा है कि सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस जो है, जब पैसे का खर्चा जैसे घर लेना चाहते हैं जैसी मैंने बात की है और घर की बात भी हो रही है लेकिन पैसे जो है एकदम आपकी जमा पूंजी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हाथों से छूट रही है, तो एक अननोन एंग्जाइटी जिसको कह सकते हैं, स्ट्रेस जिसको कह सकते हैं, जो आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है वो साथ में मैं देख रहा हूँ। तो हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। हेल्थ में उन लोगों को भी विशेष तौर पर सावधान रहना होगा जो डायबिटिक कंडीशन से हेल्थ इश्यू, जिनको डायबिटीज़ है उनको खास तौर पर ध्यान देना होगा कि यह समय उनकी हेल्थ की, उन लोगों की हेल्थ को प्रभावित करेगा जो कैप्रिकॉर्न बॉर्न है और जिनको पहले से ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। बहुत सावधानी पूर्वक सेहत का ध्यान रखें, अपनी इंसुलिन और जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं समय से लें, बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। गर्मी का मौसम है, खाने पीने का दिल करता है, बाहर निकल जाते हैं, थक जाते हैं, कुछ ना कुछ खाया जाता है, तो भाई सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इस महीने में विशेष तौर पे आपको घर का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कामकाज के मामले में कहूँगा कि एक बेहतरीन पोजीशन है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए होने जा रही है वो है वीनस का ट्रांजिट। जो वीनस इस समय आपकी महीने की शुरुआत में ही जो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन जुड़े हैं सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं वो इस महीने के शुरुआत में ही लगभग 8th ऑफ जून को राशि परिवर्तन करेंगे और 7th हाउस में चले जाएंगे। वहीं 10 तारीख को बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और बुध 25 जून को भी बदलेगा और इस दौरान सूर्य का भी ट्रांजिट होगा। तो मैं ये कहूँगा कि कामकाज के मामले में ये एक बेहतरीन पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कि इस महीने में उन लोगों के लिए विशेष तौर पे लाभ होगा जो अपना बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, उनको विशेष तौर पे लाभ होगा। जो शादी के लिए उम्र के हो चुके हैं उनकी शादी की बात इस महीने में बनती हुई दिखाई दी, यानी कि आप एक से दो हो सकते हैं, आपका कोई जीवन साथी आपके जीवन में आ सकता है। तो कुल मिला के ये जो महीना है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्थिति लेकर आगे बढ़ता हुआ है। उन लोगों के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं, भाई तैयार रहिएगा, इस बार आपको मिठाई खिलानी होगी क्योंकि आपको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जॉब इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये महीना आप लोगों के लिए एक ऐसा महीना जिसमें जितना कहा जाए उतना ही कम। तो कुल मिला के आपकी कुंडली इस महीने में बहुत बेहतरीन पोजिशन में बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं थोड़ा सा गुस्से को, मंगल की वजह से थोड़ा सा गुस्से को आपने अपने काबू रखना है, बस ये गुस्सा ही आपको बुराई की ओर ले जा सकता है। अगर गुस्सा सही रहेगा तो सब चीज़ें आपकी बराबर बनती चली जाएंगी। धन की बात जैसे मैंने कही कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, गाड़ी में इन्वेस्ट हो सकता है, तो इसकी वजह से धन की पोजिशन थोड़ी कमज़ोर होगी क्योंकि आप अपनी पॉकेट से पैसे, सेविंग से पैसे निकालेंगे, लेकिन फिर भी जब जॉब अच्छी है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, तो धन की पोजीशन आपकी अच्छी बनी रहेगी, यानी कि मनी फ्लो है वो बना रहेगा। ये बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वहीं अगर संतान की बात करूं तो संतान आपके महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध
दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके संतान भाव में बैठे हुए, वहीं 11th हाउस का कारक मंगल उचका होके पहले घर में बैठा हुआ, तो दिखा रहा है कि उत्तम संतान उत्तम संतति के योग हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना साबित होगा। और मैं ये कहूँगा कि 20 जून तक का टाइम जो है आप लोगों के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस दौरान कोई भी कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी खबर मिल सकती है। तो कुल मिला के ये कहूँ कि भाई आपके लिए मंथ ऑफ जून एक बेहतरीन मंथ, और इसको और बेहतरीन बेहतरीन बनाने के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा है, गुस्से के ऊपर काबू रखें। इसके अलावा आप केसर का तिलक अगर लगाते रहें इस महीने में तो इससे आपके मेहनत में चार चांद लगेंगे, आपकी कामयाबी आपकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ेगी और लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बनेगी। तो यही कहूँगा कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है और कुल मिला के ये एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है। अगर आप मेरे साथ लाइव बात करना चाहते हैं तो भूले नहीं, हर बुधवार UK टाइम के हिसाब से रात 8:30 से 9:30 मैं फेसबुक लाइव लेके आता हूँ, जहाँ आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। उसको बिल्कुल भी अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन इन कर सकते हैं और मेरे साथ लाइव पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। और अलग से वीडियोज़ जो है वो मैं डालता रहूँगा, जैसे पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत तेज़ी से उसको लाइक किया, तो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को लाइक करते चले जाएं और बेहतरीन जानकारी और ग्रहों के विषय को आपके लिए किस तरह से बेहतर बनाया जाए वो लेके आपके सामने हमेशा की तरह आता रहूँगा। मिलूँगा आपसे और बात करूँगा आपसे आपके अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।